बेचारी शाओ जी तो तैंग सॉन्ग के जाल में फंस चुकी है। अगर इसने यू चैन की बात मानी होती तो आज ये इस हाल में ना होती। बहरहाल दूसरी तरफ यू चैन का असिस्टेंट उसे फोन करके बताता है कि बॉस, तैंग सॉन्ग का भाई हमारी कंपनी में काम कर चुका है, वो एक्ट्रेसेस को ब्लैकमेल करता था, इसी वजह से आपने उसे निकाल दिया था। तैंग सॉन्ग आपसे रिवेंज लेना चाहता है। यू चैन बात को समझ गया है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो, मैं शाओ जी को बचाने जा रहा हूँ। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ जी तो सुपर गर्ल निकली, इसने तो तैंग सॉन्ग को मार मार के जमीन पे पटक दिया है। तभी हम देखते हैं कि यू चैन भी बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गया है। गुंडे लोगों को टपकाने के बाद जब वो शाओ जी के पास पहुंचता है तो वो उससे कहती है कि वेलकम बॉस, पर आपने थोड़ी देर कर दी, हीरो की जगह आज हीरोइन ने ले ली, मामला अंडर कंट्रोल है, चलो चलते हैं। अरे नहीं, असली मारपीट तो अब शुरू होने वाली है, ढेर सारे किराए के गुंडों से कैसे निपटा जाए। यू चैन शाओ जी से कहता है कि तुम शूशिन के साथ जाओ, मैं इनको टपका के आता हूँ। वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। वो कहता है कि हीरोइन का हस्बैंड इतना भी बुजदिल नहीं है जो इन सड़क छाप गुंडों से डर जाए, तुम जल्दी से जाओ। यू चैन तो इनसे लड़ने में मसरूफ़ है। पर दूसरी तरफ जब शाओ जी और शू शिंग बिल्डिंग से बाहर निकल ही रहे होते हैं तो तभी तैंग सॉन्ग इनके सामने आ जाता है और इनको पकड़ लेता है। इसका इरादा तो शाओ जी को जान से मारने का है। वो कहने लगता है कि आज यू चैन को पता चलेगा कि किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है, उसने मेरे भाई के साथ अच्छा नहीं किया। तभी यू चैन भी वहीं पर आ जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया, यू चैन ने शाओ जी को तो बचा लिया पर खुद को नहीं बचा पाया, बड़ा दर्दनाक सीन है, ड्रामे के बीच हीरो मर जाए तो इससे ज़्यादा बुरा और क्या होगा। शाओ जी रोते हुए कहने लगती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो कहता है कि नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तैंग सॉन्ग मुझसे रिवेंज लेना चाहता था, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये आखिरी बात बोल के उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। शाओ जी कहने लगती है कि यू चैन, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़। क्या ये साला सच में मर गया है? नहीं, नहीं, असिस्टेंट खोजू शाओ जी से कहता है कि तुम्हें सब्र करना होगा, डॉक्टर्स ने अपनी पूरी कोशिश की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। इस ड्रामेबाज असिस्टेंट ने तो सबको डरा ही दिया था। छोड़ो इसे, अच्छी बात ये है कि यू चैन को कुछ नहीं हुआ, ये बात जान के शाओ जी के दिल को तसल्ली मिलती है। असिस्टेंट उससे कहता है कि बॉस आपसे सच्चा प्यार करते हैं, बॉस आज करोड़ों की डील करने वाले थे लेकिन जब उसे आपके बारे में पता चला तो डील कैंसिल करके ये तुम्हें बचाने चला गया। कंपनी को तो नुकसान हुआ पर इससे ये बात प्रूफ होती है कि बॉस के लिए आप ही सब कुछ हो। ये बातें सुन के शाओ जी थोड़ी सैड सी हो जाती है। अब इसे एहसास हो रहा है कि यू चैन के साथ उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। यू चैन ने शाओ जी को क्या बचाया, ये साला तो बहुत फेमस हो गया, चाइना की हर कुंवारी लड़की अब इस सुपरमैन से शादी करना चाहती है, यहाँ तक कि मिस वर्ल्ड भी सीधा अमेरिका से हॉस्पिटल आ पहुँची है। लगता है कि इन हजारों हसीनाओं का दिल टूटने वाला है। शाओ जी उनसे कहती है कि चलो भागो यहाँ से, यू चैन मेरा ऑफिशियल वाला हस्बैंड वा है, ये देखो मैरिज सर्टिफिकेट। गर्ल्स कहने लगती हैं कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, जो भी समझो, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। अरे नहीं, ये सारी बातें यू चैन ने सुन ली हैं। वो शाओ जी से कहने लगता है कि ओ डार्लिंग, क्या ये मैरिज सर्टिफिकेट हर वक्त तुम्हारे पास मौजूद होता है,
अब मैं समझा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो और नहीं चाहती कि कोई भी लड़की मेरे करीब आए। यू चैन और शाओ जी की शादी की खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। सोशल मीडिया पे हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। ये बात शाओ जी को तो परेशान कर रही है, लेकिन यू चैन तो बड़ा खुश है क्योंकि ये बंदा यही तो चाहता था। शाओ जी उसे कहती है कि तुम मुर्दे की तरह बिस्तर पे क्यों पड़े हो, कुछ करते क्यों नहीं। वो कहता है कि छोड़ो डार्लिंग इन बातों को, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, बदले में तुम मुझे क्या ट्रीट दे रही हो। साथ में डिनर करने चलें, डेटिंग डिनर रोमांटिक वाला, ये सही रहेगा। काफ़ी सोचने के बाद शाओ जी डिसाइड करती है कि वो यू चैन की इस विश को पूरा करेगी। अब उसने इसकी जान बचाई है, बदले में इतना करना तो बनता है ना। फिर क्या, नेक्स्ट मॉर्निंग वो तैयार श्यार हो के यू चैन के साथ घर से निकल पड़ती है। क्या शाओ जी को यू चैन से प्यार हो गया? कैसी होगी इस ड्रामे की एंडिंग? ये बातें जानना चाहते हैं तो लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। एक बात और, ये ऑन गोइंग शॉर्ट ड्रामा है, इसके एपिसोड स्लो आ रहे हैं, तो प्लीज़ लास्ट पार्ट का वेट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।